नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मैक्सी पेट्स वेलनेस चैनल में। दोस्तों कई बार दोस्तों हम लेब्राडोर पप्पी लेने के लिए जाते हैं बाजार में। दोस्तों पेट शॉप पे जब भी हम जाते हैं दिन लेने के लिए, तो कई बार दोस्तों हमें मिक्स ब्रीड पकड़ा जाता है। मिक्स ब्रीड का मतलब है दोस्तों कि ओरिजिनल जो लेब्राडोर होना चाहिए, जो बच्चा लेब्राडोर का लेने के लिए हम जाते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करके 10,000, 12,000, 20,000 दोस्तों खर्च करने के लिए जब जाते हैं, तो अक्सर होता है कि मिक्स ब्रीड पकड़ा जाते हैं, जो कि लेब्राडोर जो क्वालिटी होना चाहिए वो लेब्राडोर नहीं रहता है, वह किसी से देसी डॉग या किसी और का क्रॉस ब्रीड मिल जाता है। तो दोस्तों उसी से बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ जब पेट शॉप पर जाते हैं वह पहचान करना चाहिए कि हम लेब्राडोर ओरिजिनल उठा रहे हैं कि वो नकली है या डुप्लीकेट मिक्स ब्रीड है उस तरह का। दोस्तों उसी के पहचान के लिए दोस्तों मैं ये दो कलर का लेब्राडोर आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये फाउन कलर का है दोस्तों और ये ब्लैक कलर का है। ये क्रीम और ब्लैक कलर का दोनों देख सकते हैं दोस्तों। दोनों में आप पहचान मैं बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं, और बिना किसी कंफ्यूजन का इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप किसी भी पेट शॉप से कहीं से भी लेब्राडोर ओरिजिनल उठा करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है और पक्का वादा है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जब लेब्राडोर हम लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इसका कान चेक करते हैं। जो इसका कान होता है दोस्तों वह इसके गाल से इसके मुंह से चिपका हुआ होता है दोस्तों, बिल्कुल स्किन से पूरा तरह से चिपका रहेगा इसके बॉडी। देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से दोस्तों चिपका हुआ। अगर ये दोस्तों थोड़ा सा भी इस तरह उठा देगा, हल्का सा भी इस तरह, तो समझ लेना कि ये मिक्स ब्रीड है। कोई रिक्स लेने का कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हल्का फुल्का उठा रहता है चलता है, लेकिन अगर आप नए हैं दोस्तों तो अगर थोड़ा सा भी उठाए आप रिक्स ना लें। जो लोग समझदार जो लोग जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं कितना उठाए कितना नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन आप अगर नए पहली बार ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा भी अगर उठाए तो आप बिल्कुल छोड़ दें वहीं पे डॉग। और दूसरी चीज दोस्तों इसकी जो पहचान है वो इसका टेल होता है दोस्तों। जो इसका पूंछ होता है दोस्तों बिल्कुल सीधा रहेगा। कुछ लोग वीडियो में बताते हैं कि जब ये प्लेइंग करता है या एक्साइटमेंट रहता है तो पूंछ को मोड़ लेता है, कर्व कर लेता है। दोस्तों कभी भी डॉग ये जो है ये कर्व यहाँ से हल्का इस तरह उठाए ना कि दोस्तों ऐसे मोड़ लेगा, ठीक है दोस्तों। कभी अगर डॉग इस तरह मोड़ता है दोस्तों तो वह मिक्स ब्रीड है, 110% मिक्स ब्रीड है। आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको मोड़ लेता है तो आप उस डॉग को वहीं छोड़ दें, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ब्रीडर है, जो लोग उसको बारे में बहुत सारा कुछ जानते हैं, वो लोग अपना देख करके ले सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। लेकिन आपके लिए सिर्फ मैं ही सजेस्ट करूँगा, अगर ये मोड़ता है तो आप बिल्कुल वो जो डॉग है वह पप्पी वहीं पर छोड़ दें, आप उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो शरीर होता है दोस्तों बोन साइज वगैरह भी आप देख करके ले। आप दूसरी चीज ये तो कि प्योरिटी चेक के लिए दोस्तों इसका कान पूरा सटा रहेगा और इसका टेल इस तरह बिल्कुल सीधा रहेगा और हेल्दी रहेगा दोस्तों। लेब्राडोर का जो स्किन होता है दोस्तों, इसका बाल छूने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा स्मूथ और कोर्स जो इसका साइन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा, एकदम रुई की तरह, रुई से भी ज़्यादा मुलायम लगना चाहिए, एकदम खरखर नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम जो होता है रुखरापन वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए देसी डॉग की तरह। या ये जो डॉग होता है लेब्राडोर, इसका स्किन बहुत ज़्यादा मुलायम होता है मखमल जैसा। और दोस्तों लेब्राडोर तीन कलर में पाया जाता है, ब्लैक, क्रीम और चॉकलेट कलर में। दोस्तों अगर इस तीनों में कोई आपका एक कलर है तो जैसे ब्लैक रहेगा तो प्योर ब्लैक ही रहेगा, कहीं पे भी व्हाइट दाग कहीं भी नहीं रहेगा या कोई सा भी कलर उसमें मिक्स नहीं रहेगा। या क्रीम कलर है दोस्तों तो उसमें सिर्फ क्रीम ही कलर रहेगा, उसमें कहीं ब्लैक या कोई भी दाग थोड़ा बहुत चलेगा, एक थोड़ा सा रहेगा। यदि आप पहली बार है तो आप थोड़ा सा भी अगर देखते हैं कोई सा भी दाग तो आप वहीं पर रख दें, आपको ज़्यादा उसमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एक कलर में है तो एक ही कलर में रहना चाहिए। और दोस्तों जब आप क्वालिटी की बात करेंगे दोस्तों, तो क्वालिटी जब लेंगे तो कान जितना ज्यादा लंबा रहेगा वो उतना ज्यादा क्वालिटी जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। और जो इसका फेस होता है हेड साइज दोस्तों जितना चौड़ा रहेगा वो उतना ज्यादा क्वालिटी उसका मस्त रहता है। और कुछ में रिंकल्स होते हैं दोस्तों, इस तरह करके रिंकल्स आ जाते हैं इस तरह, वो रिंकल्स जो होते हैं दोस्तों उसमें मैं दिखाता हूँ दूसरे डॉग में, जो रिंकल्स होते हैं दोस्तों वो इस तरह करके इस तरह आगे भरे होते हैं। इसको रिंकल्स, ये वाला रिंकल्स वाला नहीं है, तो वो रिंकल्स जब इस तरह लटके हुए होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। मतलब जैसा क्वालिटी रहेगा उस तरह का कॉस्ट रहेगा। तो इस तरह पहचान करने का क्वालिटी का दोस्त है दोस्तों। और उसका टेल जो होता है वो थोड़ा सा हैवी और मोटा रहेगा, ये पंजा वगैरह उसका ज़्यादा ही हैवी रहेगा। तो वो हो गया क्वालिटी का पहचान दोस्तों। प्योरिटी का मैंने बता ही दिया कि इसका कान चेक करना है दोस्तों, टेल चेक करना है, सीधा रहना चाहिए बिल्कुल। और जो इसका स्किन होता है वो पूरा रफ नहीं रहना चाहिए, पूरा इसका स्किन है वो सॉफ्ट रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को लेब्राडोर का जो प्योरिटी चेक वीडियो है वो पसंद आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी दोस्तों। अगर किसी भी तरह का डाउट फिर भी रह जाता है दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई देकर आपको बता दूंगा कि क्या सही है क्या नहीं। तो वीडियो में पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने वीडियो को प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।